हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट अरीबा। मैं अरीबा आज आप लोगों को लैक्मे 925 आईलाइनर का रिव्यू दूंगी, लगाने का अच्छा तरीका भी बताऊंगी और ये कैसे लगाना है। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड नाउ। हे गाइस, तो आज मैंने लैक्मे 925 ब्लैक इम्पैक्ट आईलाइनर के बारे में बताऊंगी, इसका रिव्यू दूंगी और ये अच्छा है या नहीं ये भी बताऊंगी। सो गाइस, इससे पहले ये बता दूं, अगर अभी तक मैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा मेरे आने वाले न्यू वीडियो से अपडेट रहेंगे और साथ में मेरे चैनल पर जो नोटिफिकेशन आती है उसके लिए आप बेल भी दबाएं, जिससे आप मेरे न्यू वीडियो की अपडेट तुरंत पाएंगे। सो गाइस, और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करें। सो गाइस, तो मैंने लैक्मे 925 इम्पैक्ट लाइनर लिया है। ये मैंने कितने में परचेस किया है? जी हाँ, ये मैंने 200 में परचेस किया है। मुझे ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से भी इसे परचेस कर सकते हैं। 200 की है, हो सकता है कि अमेज़ॉन पे अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपने ये 180 में भी मिल जाए। और ये 3.5 ml है और प्राइस मैंने इसका बता दिया। ये लैक्मे 925 की है। इससे पहले मैंने लैक्मे 925 कॉम्पैक्ट का और लैक्मे 925 सीसी का और लैक्मे 925 लिपस्टिक का भी मैंने क्या बोलते हैं रिव्यू कर रखा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना है, आप चाहें तो वहाँ से भी ये सारी वीडियो मेरे वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, ये ब्लैक इम्पैक्ट है बिकॉज अगर आईलाइनर है तो ब्लैक हो तो ही अच्छा होता है। सो गाइस, मैं इसके आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ ये कैसा ये ब्लैक है। और इसकी जो नॉब है लगाने वाली, ये जो ब्रश, ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी एंड थिक है और ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा डीप है। ये वन स्ट्रोक ही आपके लिए इनफ है। सो गाइस, देख सकते हैं ये ब्लैक है और इनफ है। और इसी एक स्ट्रोक से ही आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं कोई भी तरह का, और ये आइस पे लगाने के बाद भी बहुत अच्छा दिखता है और ये अच्छा भी है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं इसे परचेस किया तो आप ज़रूर परचेस करें। और रही लॉन्ग लास्टिंग की बात, तो ये उतना भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये बहुत बड़ा फैक्ट मैं बता रही हूँ, ये ट्रू है। ये आप लोगों को ईजिली, मतलब आपने 1 to 4 आवर तक ठीक रहता है। उसके बाद अगर आप चाहे तो रब कर दिए इसको, या इचिंग हुई आपने रब किया तो वो एक तरह का स्मच हो जाता है। और वॉश कर, अगर आप वाटर वॉश किए और आपने स्मच नहीं किया इसको, तो रब नहीं किए इसको, तो ये नहीं जाएगा। आपने अगर वेट क्या फेस को आपने डायरेक्टली सुखा देना है बिना किसी वाइप किए हुए टॉवल से या भी किसी भी हैंकी से, तो आपकी ये स्टे रहेगी। आपने अगर रब कर दिया तो ये स्मच हो जाएगी। और ये भी बहुत बड़ा फैक्ट मैं बता रही हूँ, जैसा एक्सपीरियंस मैंने ये किया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये बता रही हूं। तो आपने इसे जरूर लगाएं, आपको इसको अच्छा एक्सपीरियंस होगा और ये बहुत ही अच्छा है, आप ये ट्राई जरूर करें। हाँ, भले लॉन्ग लास्टिंग ना हो, आप रेन पे डायरेक्ट, अगर बारिश हो रही है, आप डायरेक्ट रेनी सीजन में हैं तो जा रहे हैं, तो अगर आपके स्किन पे बारिश आ रही है आइस पे और आपने वाइप कर लिया तो चली जाएगी, ये है, मैं ये बता दे रही हूं। मैं इसके अलावा ये कोई झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं किसी चैनल चीजों को प्रमोट नहीं कर रही हूं। और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बिकॉज मेरे आने वाले न्यू वीडियो से आप हमेशा अपडेट रहेंगे, ये जरूर याद रखिए अगर सब्सक्राइब करेंगे तो। तो आप इसे परचेस करें। इससे कुछ भी जुड़े हुए सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को हाफ एन आवर में आंसर करूंगी गाइस। और इसका टेक्सचर देख लीजिए कैसा है। सो गाइस, तो ये स्मच हो ना हो, मुझे तो 3 से 4 घंटे के ही लिए चाहिए, बट ये मेरा फेवरेट है, मैं इसे ऑल टाइम परचेस करती हूँ। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिए, आप परचेस करेंगे और अपने से यूज़ करेंगे तो आपने अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक नीचे रेड कलर की बटन होगी उसे आप जरूर क्लिक करें तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में एक बेल का आइकन भी दबाएं जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पाए। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ऑल ब्यूटीज़।